एडा चेरिन के साथ ऑफिस आती है और एडम से पूछती है कि सर कहाँ गए। एडम उसे बताता है कि सर सेलिन मैम के साथ बाहर गए हैं। एडा एंगिन से मिलती है और उसे कहती है मैंने किसी को भी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे। एंगिन कहता है मैं जानता हूँ और किसी को भी तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं है और जिसने ये सब किया है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। जेरिन रिपोर्टर को कॉल करती है और उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाती। पीछे खड़े होकर पेरिल ये सारी बातें सुन रही होती है और जेरिन से पूछती है तुम रिपोर्टर से मिलने जा रही हो। जेरिन कहती है हाँ। पेरिल उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सेलिन से बात करनी चाहिए क्योंकि सेलिन को इन सब चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है और अगर वो तुम्हारे साथ जाएगी तो अच्छा रहेगा। जेरिन कहती है सबकी कोई ज़रूरत नहीं है मैं बस उससे मिलूंगी और वो मुझे उस इंसान का नाम बता देगी जिसने ये सब करा है। लैला सरकान को कॉल करके बताती है कि सर आपने कहा था ना कि जब एडा ऑफिस आए तो मैं आपको बता दूं। एडा ऑफिस आ गई। सरकान कहता है ठीक है। सरकान सेलिन से कहता है मुझे कुछ काम है मुझे ऑफिस जाना है। सेलिन कहती है ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसी टाइम पेरिल सेलिन को कॉल करके बताती है कि जेरिन रिपोर्टर से मिलने कैफे गई है जहाँ हम मोस्टली मिलते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाओ। सेलिन कहती है ठीक है। सेलिन सरकान से कहती है मुझे कुछ काम है तो मैं टैक्सी लेकर जा रही हूँ। रास्ते में सेलिन फेरिट से कहती है तुम्हारी कान से बात हो गई क्या क्योंकि जेरिन रिपोर्टर से मिलने गई है और मैं भी वहीं जा रही हूँ। फेरिट कान को कॉल करता है और कान उस टाइम मेलो के साथ होता है तो वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। मेलो कान से कहती है मैंने एडा की आंटी को तुम्हारे बारे में बताया और वो तुमसे मिलना चाहती हैं और उन्होंने तुम्हें आज शाम को डिनर पर बुलाया है। कान कहता है तो क्या तुमने एडा और अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी बता दिया। मेलो कहती है नहीं बस डिनर पर आंटी और हम दोनों होंगे। सरकान ऑफिस आता है और उसकी शर्ट पर पेंट गिर जाता है। लैला एडा को बताती है कि सरकान सर ऑफिस आ गए। एडा कहती है मुझे उससे नहीं मिलना बताओ मैं क्या करूं। लैला कहती है मैं सरकान को बातों में लगाती हूं और तुम दूसरी साइड जाकर छुप जाना। एडा ऊपर चली जाती है छुपने। सरकान भी ऊपर चेंज करने जाता है। एडा उसे देखकर रूम में चली जाती है। सरकान भी उस रूम में जाकर शावर लेता है। सरकान एडा को देख लेता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एडा कहती है मुझे यहाँ कुछ काम था और अब मैं जा रही हूँ। सरकान उसे रोकता है और उससे कहता है रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एडा कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सरकान कहता है मैं जानता हूँ मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था कल। एडा कहती है तुम्हें पता है तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की है सरकान। सरकान एडा से कहता है मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना चाहता हूँ लेकिन। एडा कहती है लेकिन तुम्हें ट्रस्ट करने के लिए प्रूफ चाहिए। ठीक है मैं प्रूफ ढूंढ के तुम्हें दिखाऊंगी और उसके बाद तुम्हारी कभी शक्ल नहीं देखूंगी। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जेरिन रिपोर्टर से मिलने जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें वो पिक्स किसने दी थी। रिपोर्टर कहती है कि मैं तुम्हें नाम बता दूंगी लेकिन मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जेरिन कहती है हाँ ठीक है। उसी टाइम सेलिन वहाँ आ जाती है और रिपोर्टर को नाम बताने से मना कर देती है मैसेज करके और कहती है इसके बदले में जितने पैसे चाहिए ले लो। बाद में रिपोर्टर जेरिन से झूठ बोल देती है। सेलिन ऑफिस आती है सरकान को रिपोर्टर से हुई सारी बात बता देती है। एडा पेपर साइन करके जाने लगती है और सरकान उसके पीछे जाता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो एडा। एडा उसे जवाब देती है मेरा काम पूरा हो गया और इसलिए मैं जा रही हूँ। सरकान कहता है उस प्रोजेक्ट का क्या होगा जो तुम मैनेज कर रही थी। एडा कहती है तुम टेंशन मत लो मैं एक रिपोर्ट तैयार करके मिस्टर इदिल को दे दूंगी। सरकान कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। एडा कहती है ठीक है मैं अपना काम पूरा करके चली जाऊंगी और फिर सारे पेपर साइन करके अपने घर चली जाती है और घर जाकर बैठकर रिपोर्ट तैयार करती है। जेरिन एडा को बताती है मैं रिपोर्टर से मिलने गई थी पहले वो नाम बताने वाली थी लेकिन जैसे ही सेलिन वहाँ आई उस रिपोर्टर का बिहेवियर ही चेंज हो गया। सेलिन ने बस रिपोर्टर को अपना फ़ोन दिया था उसका नंबर लेने के लिए ज़रूर उसने उसी टाइम कुछ करा होगा। एडा कहती है शायद सेलिन इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। कान मेलो से मिलने एडा की आंटी के घर आता है और उसे वहाँ फीफी और एर्दम देख लेते हैं। एर्दम कहता है कान करत आ गए सरकान सर का सबसे बड़ा दुश्मन। मेलो एर्दम से कहती है कान मेरा फ्रेंड है। सेलिन सरकान के घर जाती है और फेरिट उसका पीछा करता है। फिर वो सेलिन को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो। सेलिन कहती है मैं पेरिल के साथ हूँ। कान के जाने के बाद एडा की आंटी मेलो से कहती है तुम इससे ब्रेकअप कर लो ये अच्छा लड़का नहीं है और ये सब ड्रामा कर रहा है। एडा वो रिपोर्ट तैयार करके सरकान के घर आती है उसको देने और वो सेलिन और सरकान की बातें सुन लेती है। सेलिन सरकान से पूछती है क्या तुमने सच में एडा से ब्रेकअप कर लिया। सरकान कहता है पता नहीं ऐसा लगता तो है। सेलिन कहती है मेरे लिए तुमसे अलग होना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। फेरेट भी पीछे से वहाँ आ जाता है और एडा के साथ खड़े होकर दोनों की बातें सुनता है। सेलिन सरकान से कहती है मेरा दिमाग कहता है कि फेरेट मेरे लिए सही है लेकिन मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। ये सुनकर सरकान हंसने लगता है। सेलिन सरकान से पूछती है तुम हंस क्यों रहे हो। सरकान कहता है क्योंकि मेरा दिमाग कहता है कि इस दुनिया में तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा सही हो। ये सुनकर एडा और फेरेट वहाँ से चले जाते हैं। फेरेट एडा से कहता है मुझे पहले से ही पता था सेलिन मुझसे इसलिए शादी कर रही है क्योंकि उसका दिमाग ये कहता है लेकिन मैं उससे सच में प्यार करता हूँ।
एडा फेरेट को बताती है कि शायद सेलिन ने ही जेलिसी में वो कॉन्ट्रैक्ट मीडिया में लीक करा था। फेरेट कहता है नहीं, सेलिन ऐसा नहीं कर सकती, वो सरकान की बिजनेस पार्टनर है और उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये सब मैंने करा है, मैंने बस कान को मजाक में पिक सेंड करी थी और मुझे नहीं पता था वो ये सब कर देगा, और प्लीज तुम ये सब सरकान को मत बताना। ये सुनकर एडा वहाँ से चली जाती है और जाते टाइम वो रिपोर्ट सरकान की कार के ऊपर रख देती है। सरकान सीरियस के साथ वॉक पर जाता है और वहाँ उसे एडा मिल जाती है और वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एडा कहती है मैं वॉक पर आई हूँ। एडा सीरियस के साथ खेलती है और बाद में वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले दिन जेरेन और एडा मेलो को कान के बारे में सब बताते हैं। मेलो कहती है इसका मतलब कान सरकान के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सुनकर मेलो एडा से सॉरी बोलती है और उसे बताती है अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे ही सब नहीं छुपाती, तो मैं पहले ही सब बता देती। एडा मेलो से पूछती है क्या हुआ मेलो। उसी टाइम फीफी को याद आता है कि कान ने बोला था कि मैं जब पहले आया था तो मेलो ने मुझे यही लेमिनेट पिलाया था, और फीफी कहती है इसका मतलब कान ने मेलो से फ्रेंडशिप ही सरकान के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए करी थी। मेलो रोने लगती है और एडा को सॉरी बोलती है। एडा उसे हक कर लेती है और कहती है मेरी ही गलती, हम लोग एक साथ रहते हैं और मैंने ये सब कुछ नोटिस नहीं करा। फीफी और जेरिन कहते हैं जरूर सरकान के डिजाइन भी कान ने ही चोरी करे होंगे। मेलो बताती है उस दिन मैं कान को लेकर घर आई थी लंच करने क्योंकि मैं डाइट पर थी, और उस दिन तुम भी घर पर शावर लेने आई थी। एडा कहती है हाँ, और वो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने टेबल पर रखे थे। फीफी कहती है तो इसका मतलब कान ने वो डॉक्यूमेंट्स देखकर उनकी पिक्स ले ली थी, सिंपल। जेरेन कहती है हमें कान को सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन हमें ये सब प्रूफ करने के लिए कोई प्रूफ चाहिए। मेलो कहती है हाँ, मैं कान से बदला लेकर रहूंगी और ये डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी हैं मैं वापस लाके सरकान को दूंगी। सरकान सुबह वो फाइल अपनी कार पर देखता है और सेफी से पूछता है एडा यहाँ आई थी क्या। सेफी मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एडा भी फ्लावर शॉप जाती है और उसकी आंटी उससे पूछती है तुमने आगे का क्या सोचा है। एडा कहती है मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बस जैसे पहले रहती थी सरकान की अपनी लाइफ में आने से पहले बस वैसे ही रहूंगी। एडा की आंटी उसे समझाती है सरकान को भूलने में तुम्हें मुश्किल होगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर एडा अपसेट हो जाती है और अपनी आंटी को हक कर लेती है। सरकान के डैड ऑफिस आते हैं और सरकान को समझाते हैं कितने सालों से हम एक जैसे रूटीन को फॉलो कर रहे थे लेकिन एडा के आने के बाद से सब चेंज हो गया और उसने हम सबको बदल दिया। सरकान कहता है आपकी एडवाइस के लिए थैंक यू लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। सरकान एडा से मिलने फ्लावर शॉप आता है। एडा उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सरकान कहता है तुमने बहुत अच्छा डिजाइन बनाया था और उसे मेरी कार पर रख कर चली गई। एडा कहती है हाँ, मैं तुम्हें और सेलिन को परेशान नहीं करना चाहती थी और अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सरकान कहता है मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। एडा कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम भूल गए हो क्या, तुमने मेरे ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए थे, तो प्लीज जाओ यहाँ से। सरकान कहता है मैं नहीं जाऊँगा। एडा कहती है तो ठीक है मैं जा रही हूँ। सरकान उसे रोकता है और कहता है मैंने अभी तुमसे क्या कहा है कि तुमने बहुत अच्छे डिजाइन बनाए थे और मैं चाहता हूँ कि तुम ये प्रोजेक्ट पर काम करती रहो मिस्टर इदिल के साथ और तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब में। एडा कहती है मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना किसी भी कंडीशन में। सरकान कहता है मैं बस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बोल रहा हूँ। एडा कहती है मैं फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं करने वाली। सरकान कहता है फिलहाल के लिए मतलब। एडा कहती है जब तक मैं अपनी बेगुनाही का सबूत तुम्हें लाकर नहीं दे दूंगी उससे पहले मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करूंगी। सरकान कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। मेलो और फीफी कान के ऑफिस आते हैं उससे मिलने और बाद में फीफी कान को बेहोश करके उसके फोन में से ब्लूप्रिंट एडा को सेंड कर देती है और डिलीट कर देती है। मेलो एडा को वीडियो कॉल करती है और बताती है मैंने तुम्हें वो सारी फोटोज मेल कर दिए थे। फीफी एडा को बताती है कि उस मेल में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वो फोटोज किसने कब और कहाँ और किस टाइम ली थी। मेलो कहती है अब जाओ और जाकर ये सब सरकान को दिखाओ। बाद में मेलो कान और अपनी पिक्स देखकर रोने लगती है और उसका नंबर डिलीट कर देती है। फीफी मेलो को समझाती है और उसे हक कर लेती है। सरकान अपने ऑफिस में फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और एडा वहाँ आ जाती है। सरकान एडा को देखकर वहाँ से चला जाता है और उसके पास जाकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एडा उसे एक फाइल देती है और कहती है ये प्रूफ है कि मैंने तुम्हारे ब्लूप्रिंट्स चोरी नहीं किए थे। सरकान उसे कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। एडा कहती है थैंक यू लेकिन अब बहुत देर हो गई है। सरकान कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता और मुझे ट्रस्ट करने के लिए प्रूफ चाहिए होते हैं। एडा कहती है ये रहा प्रूफ। सरकान कहता है तुम सही हो, एक इंसान को ट्रस्ट करने के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती और मुझे तुम पर भरोसा है। एडा कहती है तुम्हें ये सब स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था कि एडा ऐसा कुछ नहीं कर सकती लेकिन तुमने मुझे कितना हर्ट किया और मेरी कितनी इंसल्ट करी है। और ये सब मैंने नहीं कान ने करा था, उसने मेलो से फ्रेंडशिप की और घर आया और पिक्स ले लिया अपने फोन में। फिर एडा अपनी रिंग निकाल के सरकान को दे देती है ये बोलकर कि अब सब खत्म हो चुका है और आज के बाद मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश मत करना, और ये सब बोलकर वहां से चली जाती है। ये सब सुनकर सरकान चुप हो
जाता है और खड़े होकर ये सब देखता रह जाता है।